गाइस, मैं हूँ आकांक्षा कपिल और मेरे साथ है बहुत ही पॉपुलर सिंगर गजेंद्र वर्मा। तो चलिए उनसे मिलते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत थैंक यू सो मच आकांक्षा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यू नो सॉन्ग सक्सेस लॉन्च है, कैसा लग रहा है, जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड आई एम एक्चुअली रियली ग्लैड कि जो नया फॉर्मेट हमने बनाया लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो मजा आ रहा है। तो ये आइडिया है यू नो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये कहाँ से आया आपके दिमाग में? बिकॉज पहले भी हमने कई सॉन्ग्स आपके देखे तो ऐसा तो कोई नहीं था। सी मैं वही मैं बता भी रहा था पहले कि मूवीज में से स्टोरी वाले गाने चले गए हैं, तो हमने सोचा हम गाने बनाते हैं जिसमें स्टोरी डाल देंगे। एक्सपीरियंस के बारे में अगर पूछूं आप दोनों का, सॉन्ग का कैसा एक्सपीरियंस रहा शूटिंग का? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। यू कैन सी इन द वीडियो आल्सो वी वर हैविंग फन, वी वर शूटिंग, सो मतलब फन के साथ साथ शूट हो गया, कब पता भी नहीं चला। ओके, अगर दो लाइंस आप गा दे गाने की अपने फैंस के लिए तो कैसा रहेगा? यस, मैं सुना पाऊँ, थर्ड गाना है, दिस इज चैप्टर 3 गाइस, रत जगे। इश्क में रत जगे है होने अब लगे, करे ये दिल क्या, तू है महरम मेरा, मैं बस हूँ तेरा, तो मुश्किल क्या, खुद को खुद में उतार लूँ जैसे सीने में सांसें, बिन तेरे अंदर ही अंदर गढ़ती है मेरे फांसे, ओ तू तू यारा मेरा दिल, तू यारा मेरी जान, तू हर अरमा। अगर मैं आपसे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछूं, आप दोनों के कोलैबोरेशन के बारे में पूछूं, तो आज क्या हमको यू नो आगे क्या देखने को मिल सकता है? अभी वी डोंट हैव एनीथिंग टू टेल यू गाइस राइट नाउ, बट ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग ऑन समथिंग, और जब वो फुल फ्लैश्ड हो जाएगा तो बताएंगे आप लोगों को फॉर श्योर। अगर आपसे पूछूं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने का, तो क्या कहेंगी उनके साथ? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब मुझे मौका मिला इतने नए कॉन्सेप्ट में काम करने का, सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर द टीम, एंड आई एम हैप्पी कि लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है गाना और सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे अलग से पूछना चाहूँगी कि रुबीना आपकी यू नो दोस्त है तो बिग बॉस में है फिलहाल, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, वो जीत कर आएंगे कि नहीं? आई एम थिंक जीतना ही चाहिए, उन्हीं को ही जीतना चाहिए फाइनल। वो मेरे एक्चुअली इजाज़ भी मेरे दोस्त थे, अभिनव भी मेरे दोस्त थे, वो तो निकल, अभी रुबीना ही बची हैं तो उनको जीतना ही चाहिए। लास्ट जाते जाते फैन से क्या बोलना चाहेंगे? प्लीज़ लिसन टू गुड म्यूज़िक ऑलवेज एंड सपोर्ट गुड म्यूज़िक, और बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूज़िक लाइफ में, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। अच्छा।